गुड मॉर्निंग सारे बच्चों, फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हमेशा की तरह वही मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं मयंक सर बच्चों, स्वाभिमान नीट एकेडमी की ओर से एक बार फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं। अब तक बच्चों बॉडी फ्लूड और सर्कुलेशन वाले चैप्टर में अपन ने लास्ट जो अपना लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने डिस्कस किया था ब्लड सेल्स के बारे में, जिसमें बच्चों ने आरबीसी भी पढ़ी थी, WBC की भी बात हुई थी और प्लेटलेट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। आज बच्चों अपन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक तो हम डिस्कस करेंगे बच्चों आज ब्लड क्लोटिंग की, रक्त का थक्का, और दूसरा हम बात करेंगे आज ब्लड ग्रुप्स की, रक्त समूह की। तो पहले बच्चों आज जो अपन पॉइंट उठाया है ब्लड क्लोटिंग या कोगुलेशन, रक्त का थक्का या रक्त का स्कंदन। अब बच्चों जैसा कि आपने पता ही है कि ब्लड क्लोटिंग का मीन कोई जब अपने लगती है, चोट लगती है बच्चों, तो वहां ब्लीडिंग होती है, रक्त का प्रवाह होता है, और आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली जो रक्त का प्रवाह है, ब्लीडिंग है, वो रुक जाती है। वही जो रुकना है बच्चों, ब्लड वहां जो जमता है वही एक्चुअल में ब्लड क्लोटिंग होती है, रक्त का थक्का होता है, जिसको कोगुलेशन या तो स्कंदन भी बोलते हैं। अब ब्लड क्लोटिंग का बच्चों सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो यही होगी ना कि ब्लड क्लोटिंग होने से ही अपना ज्यादा ब्लड का लॉस नहीं होता, और ब्लड क्लोटिंग में जो टाइम बच्चों लगता है वो अलग अलग है, 2 से 8 मिनट तक का टाइम लगता है। अगर बाउंड हल्का नॉर्मल घाव है तो ब्लीडिंग कम होगी, डीप अगर बच्चों कट है तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, उसमें क्लोटिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अब पूरी क्लोटिंग होती कैसे है, क्या इसकी मैकेनिज्म है, वो उस पर अपन डिस्कस करते हैं बच्चों। पहले मैं बताता हूं कि जो क्लोटिंग के रेफरेंस में थ्योरी दे रखी है एंजाइम कैस्केडिंग थ्योरी, एंजाइम सोपानी प्रक्रम, यही अपने एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, ये सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है क्लोटिंग का, जिसे देने वाला बच्चों साइंटिस्ट है मैकफार्लेन। मैकफार्लेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एंजाइम कैस्केडिंग थ्योरी के बारे में बताया, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर ब्लड क्लोटिंग। अब स्कंदन में क्या क्या होता है उससे पहले बच्चों अपन कुछ बातें यहां डिस्कस करते हैं, कुछ फैक्टर की बात मैं करता हूं कि जो क्लोटिंग है, ब्लड की क्लोटिंग, ध्यान से सुनना बच्चों, ब्लड क्लोटिंग में काम आने वाला आयन, क्लोटिंग में जो आयन रिक्वायर्ड होता है वो बच्चों कौन सा है, कैल्शियम। तो ऐसे भी बन जाता है क्वेश्चन कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो क्लोटिंग नहीं होगी। क्लोटिंग में काम आने वाला विटामिन बच्चों पूछे तो हम बताएंगे विटामिन के, क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है, तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई तब भी क्लोटिंग नहीं होगी। क्लोटिंग में काम आने वाला हार्मोन बच्चों, एक मैंने काइनिन हार्मोन लिखा है, काइनिन, उसको बच्चों फर्स्ट एड हार्मोन भी बोलते हैं, फर्स्ट एड हार्मोन, जो एक्चुअल में जहां भी वाउंड होता है, जहां भी लगती है, वहां की टिश्यू सेल से रिलीज होता है, और ये बच्चों क्लोटिंग टाइम को रिड्यूस करता है, कम कर देता है। मान लो नॉर्मल क्लोटिंग 5 मिनट में हो रही है, इस हार्मोन की वजह से वो क्लोटिंग बच्चों 3 मिनट में होगी, तो क्लोटिंग जल्दी हुई तो ब्लड का लॉस कम हुआ। क्लोटिंग में काम आने वाली प्रोटीन अपने को पता ही है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन क्लोटिंग में हेल्पफुल बच्चों होती है, और क्लोटिंग में काम आने वाली सेल्स लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्लेटलेट्स, जो क्वेश्चन नीट में आया हुआ भी है, तो क्लोटिंग में काम आने वाली सेल्स प्लेटलेट्स, क्लोटिंग की प्रोटीन बच्चों प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन, क्लोटिंग में काम आने वाला हार्मोन काइनिन हार्मोन, क्लोटिंग का विटामिन के, और क्लोटिंग में काम आने वाला आयन कैल्शियम। और क्लोटिंग की प्रोसेस में जो फैक्टर काम आते हैं बच्चों, कारक जो होते हैं, टोटल 13 फैक्टर बताते हैं, 13 कारक जिन्हें रोमन नंबर में लिखा जाता है, 13 फैक्टर कौन कौन से, कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे। तो ब्लड क्लोटिंग अब कैसी मैकेनिज्म है, वो जो हमने बोला एंजाइम कैस्केडिंग थ्योरी, सोपानी प्रक्रम, सोपानी का मतलब जो सोपान, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक। तो देखो बच्चों कि जहां भी अपने को वाउंड होता है, चोट लगती है, उस जगह के टिश्यू और प्लेटलेट्स जो डैमेज होते हैं, क्षतिग्रस्त ऊतक और डैमेज प्लेटलेट्स, जो क्षतिग्रस्त टिश्यू या प्लेटलेट्स है बच्चों, वहां से एक केमिकल सबसे पहले आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज बच्चों थ्रोम्बोप्लास्टिन ही वो है जो क्लोटिंग को स्टार्ट करता है, स्कंदन की क्रिया को प्रारंभ करता है। कहां से आएगा, डैमेज टिश्यू, क्षतिग्रस्त ऊतक और डैमेज प्लेटलेट्स से रिलीज होता है। अगले स्टेप में बच्चों
थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हुआ एक एंजाइम में थ्रोम्बोकाइनेज। अपने को ध्यान है एज अगर सफिक्स लग गया तो बच्चों क्या हुआ, एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बिनेज। ये एंजाइम देखो क्या करता है बच्चों, ये इनएक्टिव प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन। प्रो लग गया ना, प्रो लगने का मतलब भी इनएक्टिव होता है, जैसे प्रोरेनिन, प्रो इंसुलिन, प्रो का मीन इनएक्टिव बच्चों। तो इस इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को ध्यान से देखो, थ्रोम्बोकाइनेज बेटा जी इस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किस में कर देगा, थ्रोम्बिन में कर देगा। तो इनएक्टिव कन्वर्ट इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। अब यही थ्रोम्बिन बच्चों अगले स्टेप में क्या करता है, दूसरी प्रोटीन फिब्रिनोजन भी इनएक्टिव है, इसे कन्वर्ट कर देगा इसमें फाइब्रिन प्रोटीन। तो ये जो बोर्ड पे आपको एक के बाद एक स्टेप दिख रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं कैस्केडेड प्रोसेस, जिसमें एंजाइम का रोल होता है। तो मेन एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज, उसे देने वाले कौन, मैकफार्लेन। तो फिर से देख लो, जहां भी ऑन होगा बच्चों तो सबसे पहले उसे लेगा डैमेज टिश्यू और प्लेटलेट से क्या आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ध्यान रखना थ्रोम्बोप्लास्टिन ही वो है जो क्लोटिंग स्टार्ट करता है। फिर एंजाइम आया थ्रोम्बोकाइनेज जिसने प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किया थ्रोम्बिन ने, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को बच्चों कन्वर्ट किया फाइब्रिन ने। अब यहां से देखो आगे आगे क्या होता है, जो फाइब्रिन बच्चों है कौन, ये फाइब्रिन, ये फाइबर होते हैं बच्चों, तंतु रेशे होते हैं। अब एक जो फाइबर है इसका जो मोनोमर है, अकेले फाइब्रिन से एक फाइबर से बच्चों प्रोटीन नहीं होती, ये जो फाइब्रिन है इसका पॉलीमर बनता है। मोनोमर से क्या बनेगा, पॉलीमर, पॉलीमर बोले तो बच्चों बहुलक बनेगा। तो एक फाइब्रिन से कई फाइब्रिन बन गए, पॉलीमराइजेशन बोल देते हैं। अब ये जो कई फाइब्रिन बने ऐसे, इन फाइबर का बच्चों नेटवर्क जाल बन गया, और इसी नेटवर्क के अंदर ट्रेप होगी ये ब्लड की सेल। फाइब्रिन जो फाइबर का नेटवर्क है इसके साथ हमने लिख दिया ब्लड की सेल्स, वो एक पैथोजन ब्लड सेल्स वो इसमें ट्रेप हो गई और यही कंबाइन और ब्लड क्लॉट, इसी को बोलने के रक्त का थक्का। तो सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन से बच्चों थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किया थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट किया फाइब्रिन में। फाइब्रिन मोनोमर है, अकेले से तो क्लोट होगा नहीं, तो पहले फाइब्रिन के बच्चों क्या बने, पॉलीमर बहुलक बने, और उस नेटवर्क में कई ब्लड सेल्स आकर फंस गई, ट्रैप हो गई, और वही क्या है ब्लड का क्लोट। अब ब्लड फ्लो ब्लीडिंग नहीं होगी, क्लियर बच्चों। और वो इंपॉर्टेंट ये वाले आयंस वगैरह पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। अब जो मैंने लिखा ना कि क्लोटिंग में बच्चों कितने फैक्टर, 13 कारक काम आते हैं जिन्हें हमने किससे रिप्रेजेंट किया, रोमन नंबर में। तो 13 की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैं वो आपको बता देता हूं क्लोटिंग में काम आने वाले फैक्टर कारक। एक तो बच्चों फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चार तो ये फैक्टर याद रखने आपको। पहला जो फैक्टर है बच्चों ये तो वही है फिब्रिनोजन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा बच्चों थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ फैक्टर होता है कैल्शियम। तो पहले चार फैक्टर तो ये है FPTC, बच्चों पूछे जा सकते हैं, नाम वही है जो पीछे पड़े थे। फैक्टर क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट की बात आए तो वो कौन सा है, फाइब्रिनोजन। फैक्टर सेकंड आए तो प्रोथ्रोम्बिन, दोनों प्रोटीन आ गई बच्चों। थर्ड फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन और फोर्थ कौन सा, कैल्शियम। चार तो ये याद रखने, इसके बाद बच्चों ये अपने को एट फैक्टर याद रखना है, एक नाइंथ एट में आता है, इंपोर्टेंट है बच्चों एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर इसको PHFP बोलते हैं। और नाइन्थ बच्चों क्रिसमस फैक्टर कहलाता है, नाइन्थ को मैं
चार्जिंग क्या बोलेंगे? क्रिसमस फैक्टर। और एक्स कौन सा? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। याद करो हीमोफिलिक, हीमोफिलिया आ रहा है भेजे में कुछ। हीमोफिलिया एक ऐसी डिजीज है बच्चों जिसमें क्लोटिंग नहीं होती या तो डिले होती है, क्लोटिंग में टाइम ज्यादा लगता है तो काफी ब्लड लॉस होने से उसमें डेथ भी हो सकती है। तो उस हीमोफिलिया का एक रीजन है बच्चों, अगर आठवां कारक कौन सा फैक्टर? एट्थ क्लोटिंग फैक्टर की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, इन थर्टीज में से अगर कोई भी ना हो तो क्लोटिंग नहीं होगा। तो एट्थ की अगर डेफिशिएंसी हुई तो बच्चों इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो उस डिजीज को बोल देंगे हीमोफिलिया, वो होता है हीमोफिलिया ए। तीन टाइप के हीमोफिलिया होते हैं जिसमें सबसे कॉमन यही है बच्चों हीमोफिलिया ए। और इसका रीजन डेफिशिएंसी हो कौन सा फैक्टर? एट क्लोटिंग फैक्टर। और अगर बच्चों नाइन्थ जिसका नाम रखा क्रिसमस फैक्टर, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो तो हीमोफिलिया बी, उसको हम क्या बोलेंगे? हीमोफिलिया बी। तो टोटल क्लोटिंग फैक्टर वैसे 13 है, आप ये फर्स्ट चार याद रखियो। और एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जिसकी डेफिशिएंसी से हीमोफिलिया ए डिजीज बच्चों हो जाती है। बात भेजे में उसी, तो अपना पॉइंट हो गया ब्लड क्लोटिंग। क्लोटिंग को हम कोगुलेशन बोल लेते हैं, और इसी क्लोटिंग की वजह से ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। और एक इंपॉर्टेंट बच्चों जो थ्योरी है एंजाइम कैस्केडेड थ्योरी देने वाला मैटर पार्लेन, इसकी मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। समझ गए बच्चों? चले आगे, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। ब्लड क्लोटिंग के बाद अगला एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह है। जेनेटिक्स में भी बच्चों ये पॉइंट आता है तो वहां से भी कनेक्टेड होके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा भी है नीट में। तो ब्लड ग्रुप में पहले तो दो टाइप के ब्लड ग्रुप की बच्चों बात करेंगे। एक तो डिस्कस करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप, एक अपन आज डिस्कस करेंगे आरएच फैक्टर। एबीओ ब्लड ग्रुप और दूसरा कौन सा? आरएच कारक। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम इस एबीओ ब्लड ग्रुप की बच्चों, एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? एबीओ ब्लड ग्रुप एक्चुअल में बच्चों ये जो अपना ब्लड है, अपने को सीधा सा पता ही है कि भाई सबका ब्लड दिखने में तो एक जैसा होता है रेड कलर का, लेकिन उसके जो ग्रुप टाइप्स है वो अलग अलग होते हैं। हम बोलते हैं किसी का ब्लड ए है, बी है, ए बी है, ओ है, उसमें भी फिर बोलते हो ए पॉजिटिव है कि बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है कि ए बी नेगेटिव है, सबकी अलग अलग कैटेगरीज होती है। वो हम किस बिहाफ पे बच्चों बोलते हैं उसी पे अपन डिस्कस आज करते हैं। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप है पहला कौन सा आया? एबीओ ब्लड ग्रुप। तो इस एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बच्चों साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, कार्ल लैंडस्कीनर, इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, रक्त समूह के जनक। इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था 1999। अब एबीओ ब्लड ग्रुप जो है बच्चों इसका डिटरमाइन, इसका निर्धारण कौन करेगा? एंटीजन। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग वाले चैप्टर में ले चलता हूं, और ब्रीदिंग क्या इसी चैप्टर में हमने आरबीसी की जो बात की थी ना, वहां भी बताया था कि जो बच्चों आरबीसी है इसकी सरफेस पे क्या था? एंटीजन। वही एंटीजन ब्लड ग्रुप को निर्धारित करते हैं कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। अब ध्यान आपको यह रखना है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो डिटरमाइन बाय टू टाइप्स ऑफ एंटीजन। इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं बच्चों, एबीओ रक्त समूह का निर्धारण दो प्रकार के एंटीजन करते हैं, टू टाइप्स ऑफ एंटीजन डिटरमाइन एबीओ ब्लड ग्रुप। और वो दो एंटीजन कौन से हैं? कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दो एंटीजन अपने ब्लड ग्रुप को निर्धारित करते हैं। अब बच्चों इसमें सीधा सा याद रखने का तरीका है कि जैसे ये मान लो आरबीसी है, क्या है? आरबीसी। अब आरबीसी में बच्चों अगर ये है एंटीजन ए, मान लो किसी आरबीसी पे है एंटीजन बी, एक ऐसी आरबीसी है जिसमें बच्चों दोनों एंटीजन है, तो अगर ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी बच्चों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी हो गया, दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, कोई एंटीजन नहीं है तो
जनरली नहीं बोलते, जीरो होता है ये, जीरो का मीन जिस पर कोई एंटीजन नहीं हो, बाकी बोलचाल में उसको क्या बोल देंगे, ओ। तो एबीओ ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने का काम किसने किया, दो टाइप के एंटीजन ने, और वो कौन से, कैपिटल ए और कैपिटल बी। और एंटीजन आपको कहां मिलेंगे, ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की सतह पर, ठीक है। चलो एबीओ ब्लड ग्रुप पे बात करें, तो बच्चों जो एबीओ ब्लड ग्रुप है इट्स एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील, ये अपने एक जेनेटिक्स की लाइन आती है, बहुयुग्म विकल्पिता, एबीओ रक्त समूह है, मल्टीपल एलील का एग्जांपल है। तो मैं बोल रहा हूं जेनेटिक्स में भी इसका एक पूरा पैरा पॉइंट दे रखा है, वहां से भी कनेक्ट होके क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो कोक्लिया झड़का लेना, कान खोल लेना, तो मल्टीपल एलील बहुयुग्म विकल्पिता का मीन, थोड़ा सा जेनेटिक्स पे आते हैं बच्चों। अब हमें ये तो पता ही है ना कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, वन जीन, एक जीन एक लक्षण को कंट्रोल करता है। एक नॉर्मल हाइपोथेसिस बच्चों होती है कि हर लक्षण कंट्रोल करने वाला है आपके पास जीन, अरे वही जीन जो डीएनए के बने होते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हो। तो एक जीन का मतलब एक कैरेक्टर, नॉर्मली ले रहा हूं। और एक जीन में बच्चों एलील कितने होते हैं, एलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अरे मैंने लिखा कैपिटल डी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल टी, प्लांट क्या होगा, लंबा डोल होगा, ये पूरा एक क्या है, जीन है, एक जीन। इसके ये जो दो फॉर्म है कैपिटल डी और स्मॉल डी, ये बच्चों इसके क्या हुए, एलील हुए, समझ गए। तो एक जीन के कितने, दो एलील होते हैं, इनको डिटेल में आप जेनेटिक्स में मैं बता दूंगा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ये एलील हुए। तो एक जीन कैरेक्टर कितना, एक एलील, एक जीन के पास दो। तो जनरली बच्चों एक जीन के पास कितने एलील मिलते हैं, दो एलील मिलते हैं नॉर्मली। बट यहां मैंने क्या लिखा, बट देखो बोर्ड पे आओ, मल्टीपल एलील, एलील की नंबर जब दो से ज्यादा हो, एक जीन के पास अगर दो से ज्यादा एलील हो तो उसको आप क्या बोल सकते हो, मल्टीपल एलील। तो नॉर्मली एक जीन के पास कितने, एक और दो एलील, लेकिन बच्चों अगर वो दो से ज्यादा है देन वी कॉल मल्टीपल एलील। तो जो ब्लड ग्रुप है, जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, इट्स एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। कैसे, अब देखो बच्चों ब्लड ग्रुप की एक जीन लिख रहा हूं मैं, ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने वाली जीन है आई, आई एक जीन है, इस जीन के नॉर्मली एलील होने चाहिए दो, लेकिन यहां देखो बच्चों तीन एलील मिलेंगे। मैंने लिखा आई ए, आई बी, तो स्मॉल आई या आई ओ, ये इसके क्या है, एलील है। कितने एलील है, तीन। तो एक जीन के दो से ज्यादा एलील होना मल्टीपल एलील। तो अगर आई ए बच्चों है तो वो तो कौन सा एंटीजन बनाएगी, एंटीजन बनाती है, ये शुगर पॉलीसेकेराइड लगे रहते हैं। बी है बच्चों तो कौन सा एंटीजन, बी एंटीजन बनाएगी, और इस फोर आई है तो कोई एंटीजन नहीं बनाती, समझ गए बच्चों। तो जीन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, नॉर्मली हर कैरेक्टर, ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन, और हर जीन के पास एलील कितने, दो, लेकिन बच्चों दो से ज्यादा हो देन वी कॉल मल्टीपल एलील। एबीओ ब्लड ग्रुप इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील, क्लियर। तो यहाँ एक जीन के कितने एलील बता दिए आपको, तीन बता दिए, ए होगा तो एंटीजन, बी होगा तो बी, स्मॉल आई तो कोई एंटीजन नहीं होगा। चले आगे, चलो आओ एबीओ ब्लड ग्रुप में आगे। अब बच्चों जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, अब हमने ये तो बता दिया कि इसका निर्धारण आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन करता है। अब जो एंटीजन है उस एंटीजन के अगेंस्ट नॉर्मली क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी। इम्यून सिस्टम में आता है कि अगर एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट क्या आएगी, एंटीबॉडी। तो इस एंटीजन जो ब्लड ग्रुप की ए एंड बी एंटीजन है उसके विरुद्ध भी क्या मिलेगी अपने को, एंटीबॉडी मिलेगी। वो कैसे क्या मिलती है, एक मैं छोटी सी टेबल से आपको बता देता हूं कि मैंने लिखा यहां से ब्लड ग्रुप के लिए, ये मेरे पास है कैपिटल ए, कैपिटल बी, ए बी, और
बच्चों क्या लिखा मैंने ओ। अगला जो कॉलम है ये मैं बता देता हूं एंटीजन का, इसके अगेंस्ट बनने वाली क्या एंटीबॉडी। देख लो बच्चों अपने को पता है एंटीजन का, तो ब्लड ग्रुप ए है तो ए में तो एंटीजन कौन सी आएगी, यही आएगी ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। बी में बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी हुआ। ए और बी बच्चों दोनों एंटीजन है तो ए बी हुआ, इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा। और आपको पता है एंटीजन है आरबीसी की सरफेस। अब आओ अगला कॉलम एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मिलेगी कहां, इन प्लाज्मा, बच्चों प्लाज्मा में होती है ब्लड की प्लाज्मा में, और ये होती है आरबीसी की सरफेस। अब एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन की अलग होगी, जैसे एंटीजन है ए तो एंटीबॉडी बच्चों बी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एंटीबी, एंटी का मीनिंग क्या है एंटीबॉडी, तो एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं होगी। ये है एंटीबॉडी स्मॉल ए, इसमें दोनों एंटीबॉडी है तो सॉरी दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, इसमें बच्चों दोनों टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंट। तो कहने का मीन एंटीजन के विरुद्ध जो एंटीबॉडी है वो बच्चों मिलेगी ब्लड के प्लाज्मा में, और एंटीजन एंटीबॉडी कभी भी सिमिलर सेम नहीं होनी चाहिए, ये भी अभी डिस्कस अपन करेंगे। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, ये बी है ए। देखो ब्लड ग्रुप ए बी में बच्चों एंटीजन तो है बट एंटीबॉडी नहीं है, ओ में एंटीजन नहीं है बट एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब अगला एक इंपॉर्टेंट कॉलम आता है वो इनका आता है बच्चों जीनोटाइप, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। जीन प्रॉब्लम, जीन प्रॉब्लम समझ लेना, जेनेटिक स्ट्रक्चर जैसे अभी मैं बता रहा था वो मेंडल वाले जेनेटिक्स में आता है कि प्लांट टोल है लंबा पादप है, तो मैंने लिखा कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, ड्वार्फ कोना पादप है तो स्मॉल डी स्मॉल डी। ये जो बच्चों जीन आपने लिखे हैं इन्हीं जेनेटिक स्ट्रक्चर को आप क्या बोल दोगे जीनोटाइप। अब आओ ये ध्यान से सुन लेना, सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए, ए का बच्चों जीनोटाइप में लिखूंगा ब्लड ग्रुप की जीन कौन सी है आई है, तो मैंने लिखा आई ए आई ए। तो आई ए आई ए का मतलब ब्लड ग्रुप कैसा हुआ ए ब्लड ग्रुप। अपन ने लिखा बच्चों आई ए आई ओ, अब भी ब्लड ग्रुप कैसा हुआ ए हुआ, क्योंकि ए और जो बी है वो ओ पर बच्चों डोमिनेंट होते हैं। ये भी सुन लेना कि ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी ये ओ पर क्या है डोमिनेंट है, ये तो है प्रभावी, ओ है रिसेसिव या तो है प्रभावी। तो वो प्रभाविकता का लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता ना कि दोनों कंडीशन में बच्चों हमेशा डोमिनेंस ही एक्सप्रेस होगा, तो यहां इसमें तो ए ब्लड ग्रुप होना ही, अगर ए के साथ ओ भी आ जाए तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा बिकॉज ए डोमिनेंट ओवर ओ, ए ओ पर प्रभावी है। बी की बात करें बच्चों ए बी का जीनोटाइप आ गया आई बी आई बी, एक हमने लिखा आई बी आई ओ, इसमें भी ब्लड ग्रुप डी होगा इसमें भी बी होगा, क्यों बिकॉज बी भी ए की तरह ओ पर क्या है डोमिनेंट है प्रभावी है। अब बच्चों ए बी की बात करें इसका जीनोटाइप आया आई ए आई बी, अब देखो ए और बी दोनों प्रभावी है तो बच्चों दोनों के कैरेक्टर साथ साथ आएंगे, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी बना हुआ है इट्स एग्जांपल ऑफ ओ डोमिनेंस। यहां बस मैं बता देता हूं आपको सह प्रभाविकता, ये भी जेनेटिक्स की बात है बस थोड़ा सा सिंपली समझ लो यार डिटेल में वही होगा। ये को डोमिनेंस का को का मतलब बच्चों साथ साथ सह प्रभाविकता, तो आई ए आई बी दोनों जब साथ आ गए तो दोनों के कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गए, क्योंकि दोनों क्या है डोमिनेंस है दोनों प्रभावी है, तो प्रभावी है तो लक्षण तो प्रकट होंगे। यहां देखो यहां बी ही एक्सप्रेस हुआ ओ ने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया क्योंकि डोमिनेंट केवल बी है, यहां डोमिनेंट केवल ए है, यहां दोनों डोमिनेंट है इसलिए डोमिनेंस। क्लियर बच्चों। अब लास्ट ओ, ओ है प्रभावी,
इसको या तो हम लिखेंगे स्मॉल आई या आई ओ आई ओ सी, रिसेसिव। तो कितने जीनोटाइप दिख रहे हैं आपको ब्लड ग्रुप के? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बच्चों एबीओ ब्लड ग्रुप के कितने जीनोटाइप हुए? 6। इसके जीनोटाइप होते हैं, फिनोटाइप होते हैं ये 4। बात समझ रहे हो ना? जीनोटाइप इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन आ जाता है। सीधा सा समझने के लिए जो ब्लड ग्रुप ए एंड बी है वो ओ पर क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। बस इन्हीं 6 जीनोटाइप को अपन याद रख के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवा लूंगा। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस बच्चों करवा देता हूँ, उससे पहले अपन अब इस पे आते हैं कि जब ब्लड ग्रुप डोनेट बच्चों करते हैं, जब रक्त दान देते हैं या पेशेंट को ब्लड रक्त चढ़ाया जाता है, दूसरे का ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो डॉक्टर क्या ध्यान रखता है? तो सीधी सी बात है, पहले दोनों का ब्लड ग्रुप क्या किया जाता है? मैच किया जाता है, मिलाया जाता है। कैसे उसमें चेक करते हैं? तो एक सिंपल से तरीके से हम याद रख सकते हैं, याद बस आप इतना ही रखना बच्चों कि जो डोनर है, डोनर का मतलब दाता, जो ब्लड दे रहा है वो कौन होगा? डोनर। और जिसे ब्लड देंगे वो रेसिपिएंट होता है, ग्राही या आदाता भी बोलते हैं इसको हिंदी की एंड में, आदाता ग्राही। तो जब ब्लड डोनेट करते हैं, जो दे रहा है वो डोनर है और जिसको दे रहे हैं वो बच्चों रेसिपिएंट ग्राही है। तो इतना ही बेटा जी याद रखना है कि डोनर का आपको चेक करना है एंटीजन और रेसिपिएंट भी चेक करनी है एंटीबॉडी। मैंने क्या कहा? जो ब्लड दे रहा है उसका एंटीजन देखो, जो ले रहा है उसकी एंटीबॉडी देखो। क्योंकि सिंपल सी बात है, बाहर से ब्लड अपने अंदर आएगा तो जो ग्राही रेसिपिएंट है उसका इम्यून सिस्टम का एंटीबॉडी वाला ही बनाता है। तो लेने वाले की एंटीबॉडी और देने वाले का एंटीजन, इन दो को चेक करना है। और ये बच्चों कभी भी नेवर बी सिमिलर, ये कभी भी एक जैसे नहीं होने चाहिए। अगर ये सिमिलर हुए, अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम हुई, तो बच्चों ब्लड में क्लंपिंग हो जाएगी, समूहन हो जाएगा। तो समूहन होने से सीवियर कंडीशन, घातक स्थिति उत्पन्न हो सकती है और ज्यादा ट्रांसमिशन से डेथ भी हो सकती है। अब बोर्ड पे आओ, इस चीज को फिर से सुन लो कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, रक्त दूसरे को दिया जाता है, तो बच्चों ध्यान क्या रखा जाता है? डोनर देने वाले का क्या देखो? एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। नेवर बी सिमिलर, कभी सेम नहीं हो। अगर सेम हो गई, एफ बी सिमिलर, अगर वो सिमिलर निकली, सेम निकली, तो ब्लड में क्लंपिंग, समूहन, गुच्छा बन सकता है, खून ब्लड वेसल्स में जम सकता है और उससे घातक सीवियर कंडीशन उत्पन्न हो सकती है रेसिपिएंट में, ग्राही के शरीर में। अब इससे हम समझ लेते हैं, जैसे कुछ केस लेके मैं बता दूं आपको। पूछो, अब मान लो मैंने कहा बी का ब्लड ए को देना है, दे सकते हो क्या? वैसे ही पता आपने नहीं दे सकते, लेकिन आप चेक भी कर सकते हो। देने वाला का एंटीजन देखो, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी। तो यहां बी का ब्लड दे रहे हो तो बी कौन है? डोनर। ए को दे रहे हो तो ए कौन है बच्चों? रेसिपिएंट। तो डोनर का क्या देखना है? एंटीजन। रेसिपिएंट की क्या देखनी है? एंटीबॉडी। अगर दोनों सेम हो गया तो ब्लड को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्लियर? तो डोनर का एंटीजन, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी। अब अपने को पता है ओ तो बच्चों क्या है? यूनिवर्सल डोनर। ए बी है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये भी पुरानी क्वेश्चन मिलेंगे, सार्वत्रिक दाता ओ, सार्वत्रिक ग्राही ए बी। बस तो अब इसमें ये आ गया बच्चों, अब यूनिवर्सल डोनर ओ है, तो मैंने कहा कि ओ ए बी को दे सकता है क्या? यूनिवर्सल डोनर दे सकता है, चेक कर लो। ओ दे रहा है तो डोनर का क्या देखना है? एंटीजन। और बच्चों डोनर के पास में एंटीजन है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्लियर? एबी ओ को ब्लड दे सकता है क्या? एबी ओ को, तो एबी कौन है? डोनर। डोनर का क्या देखो? एंटीजन। रेसिपिएंट की एंटीबॉडी जब सेम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं हो सकता, समझ गए ना? तो आपको बेटा जी इतना ही याद रखना है, ब्लड
डोनर की एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी कभी भी सेम ना हो, वो सेम है तो हम ब्लड को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर, चले आगे। चलो ये एडी यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ओ यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही। और जो कौन किसे ब्लड दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, तो एक सिंपल सा मैं बता देता हूं बना के। यहां मैंने ए बी लिखा, ये ओ लिखा, ए लिखा और ये बी लिखा, तो सारे ब्लड ग्रुप खुद को ब्लड तो दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। ये लो एरो, ए बी अपने आप को दे सकता है, बी अपने आप को, ओ अपने आप को, ए भी अपने आप को दे सकता है। ओ सबको ब्लड दे सकता है बच्चों, ओ यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी सबसे ब्लड ले सकता है। इस चार्ट से भी बता सकते हैं, तो ओ सबको ब्लड दे सकता है, एरो दे रहा है, ए बी सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, चल अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बच्चों इससे रिलेटेड बता देते हैं कि वो जीनोटाइप के बेस कैसे क्वेश्चन आते हैं। सिंपली एक दो मैं प्रैक्टिस के लिए बता देता हूं आपको, बिल्कुल सीधे से, एक आध साल पहले भी आया हुआ नीट का क्वेश्चन है बच्चों, जेनेटिक्स से कनेक्टेड आया था। जैसे क्वेश्चन हुआ था ना, फादर और मदर का ब्लड ग्रुप देखिए आपसे पूछ लेते हैं कि ऑफस्प्रिंग संतानों में ब्लड ग्रुप को डेट करो, इस वजह से बोल दिया कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बच्चों बी है, तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप कैलकुलेट करो, कर लेंगे हम। बस आपको इनका जीनोटाइप आना चाहिए, जीनोटाइप लिखना आना चाहिए कि किस ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या है। तो पहली बार ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप बच्चों कौन सा था, ये दो थे। बी का जीनोटाइप, ये दो थे, बिल्कुल। अब बात ये है कि जब ब्लड ग्रुप ए और बी अगले ने दिया है तो आप कौन सा जीनोटाइप लिखोगे बच्चों। देखो ए के लिए जीनोटाइप दो है, बी के भी दो, कौन सा यूज करना है। तो बिना कंफ्यूज हुए सीधा सा दिमाग में घुसा लियो कि अगला जब कुछ नहीं लिखे, ये पता ना जब दोनों सेम हो तो होमोजाइगस बोलते हैं, समयुग्मनजी, और अलग अलग हो तो बच्चों हेटेरोजाइगस बोलते हैं, पता आपने को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो कुछ नहीं दिया हो तो हम बेटा जी क्या यूज करेंगे, हमेशा हेटेरोजाइगस, विषमयुग्मनजी, इसको लेके जाएंगे। कुछ नहीं दिया हुआ हो तो हेटेरोजाइगस। जैसे अब ए ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप आप क्या लिखोगे, आई ए आई ओ, इसके लिए क्या लिखोगे, आई बी आई ओ। और अगला स्पेशली दे ही दे बच्चों कि फादर विद होमोजाइगस ए, तब होमोजाइगस दे दिया तब आपको ये लिखना पड़ेगा। लेकिन कुछ दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, नॉर्मली कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या लेके चलेंगे, हेटेरोजाइगस। क्लियर, चले आगे। चलो कौन बना रहता है, चलो तो अब सबसे पहले गैमेट बनाओ, किसके बच्चों, दो बनाए मैंने, आई आईओ, इसके बेटा जी दो बने, आई बी आईओ। अब जो सीधा ही लो तो पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूं करके, ये वाला आई ए आई ओ आई बी आई ओ, हो गया बच्चों। ये लो अब इनके प्रोजेनी के ब्लड ग्रुप निकालो, इसका ब्लड ग्रुप बताओ, देखिए ए बी, इसका बच्चों ए, इसका बी, इसका ओ। तो प्रोजेनी में चारों ऑफस्प्रिंग में संतानों में चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, उसका ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, और हर ब्लड ग्रुप होने के चांसेस 25 25 25 25 1 ratio 1 ratio 1 ratio 1 ratio 1 पूछ लेता है। अब आपसे पूछे जो पूछा था, मैं कुछ नहीं बताऊं, इन प्रोजेनी में फिनोटाइप और जीनोटाइप कैलकुलेट करो, कितने टाइप का फिनोटाइप आएगा, कितने टाइप का जीनोटाइप आएगा। तो जीनोटाइप तो जीन का पता ना आपको, देख लो 1 2 3 4, कितने टाइप का जीनोटाइप आए, 4। फिनोटाइप ब्लड ग्रुप ही फिनोटाइप हो बच्चों, ए बी ए बी ओ, ये फिनोटाइप हो गए चार।
यहां फेनोटाइप ए बी ए बी ओ कितने टाइप के फेनोटाइप आए फोर और जीनोटाइप के कितने आए फोर समझे कि नहीं बोलो एक और एग्जांपल लें आओ बोल लो और एग्जांपल से समझा देता हूं कि फेनोटाइप जीनोटाइप वाला फंडा अब इस बार हमने लिया फादर का फेनोटाइप बच्चों ए बी मदर का फेनोटाइप ले लिया मैंने ओ अब बताओ देखिए तो बताओ क्या ए बी का तो ए की जीनोटाइप होगा आई ए आई बी ओ का भी ए की है बच्चों आई ओ आई ओ क्लियर इसके गैमेट बना लो दो इसका ए की ले लो कॉमन कह सकते हैं लो आई ए आई ओ आई बी आई ओ किसका मेरे रूप बेटा जी ए इसका मेरे रूप बी अब बोलो इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप फिनोटाइप का तो मतलब ब्लड ग्रुप कौन कौन सा ए एंड बी तो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं दो ए ए एक बी और ये जीनोटाइप एक ये जीनोटाइप एक ये जीनोटाइप समझ गए तो ये आ गया ब्लड ग्रुप और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे बेटा नहीं है प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट पॉइंट है एबीओ ब्लड ग्रुप जिसको डिटरमाइन कौन करता है आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट एंटीजन अब प्रैक्टिस के लिए आप खुद भी कुछ क्वेश्चंस कर लेना से फादर मदर का ब्लड ग्रुप मैंने दे दिया एबी एबी तो संतानों में कौन सा आएगा दोनों का ओ दे दे तो कौन सा आएगा फादर का बच्चों होमोलाइगस ए मां का बी है तो कौन सा आएगा ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए कर लेना पता आपको चल जाएगा इन प्रैक्टिस से चलिए नेक्स्ट एबीओ के बाद बच्चों आते हैं अपन आरएच फैक्टर आरएच कारक अगला अपना आरएच फैक्टर तो आरएच बच्चों देखो क्या है ये भी ब्लड ग्रुप का ही टाइप है मैं तो हमने एबीओ ब्लड ग्रुप की बात की वैसे तो मोर देन 30 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं लेकिन सिलेबस में दो ही अपने दे रखे हैं बच्चों एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप आरएच का मीन यहां देखो सबसे पहले तो आरएच बिल्कुल जो दिमाग में आ रहा आपके वही वर्ड रिसस मंकी से लिया ये जो बंदर होते हैं ना बच्चों मकाका रिसस मंकी में फर्स्ट इसको आइसोलेट सबसे पहले डिस्कवर किया था एक बंदरों में तो नाम रख दिया इसका आरएच रिसस का आरएच पर आरएच फैक्टर एक्चुअल में ये भी एक एंटीजन के थ्रू डिटरमाइन होता है उसको बोलते हैं अपन आरएच एंटीजन जैसे वाई एंटीजन ए और बी था बेटा यह एंटीजन आरएच है और ये भी आपको कहां मिलेगा उसी आरबीसी की सरफेस पे तो एंटीजन जो है ये भी मिलता है ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी एडी एंटीजन की तरह आरएच एंटीजन भी आरबीसी की सतह पर मिलता है अब बच्चों अगर आरएच एंटीजन है या तो नहीं है अगर अपनी आरबीसी पर आरएच एंटीजन है तब तो वो कहलाएंगे आरएच पॉजिटिव और अगर बेटा जी आरएच एंटीजन नहीं है तो हम बोल देंगे आरएच नेगेटिव अरे आरएच फैक्टर क्या डिटरमाइन करता है आपसे पूछा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है बताना ब्लड ग्रुप तो हम बोलते हैं ये ए है ए में ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है अब बच्चों को जो एक्चुअल में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आता है ना वो इसी आरएच एंटीजन की वजह से आता है अगर आपकी आरबीसी में आरएच एंटीजन है तब तो आप क्या हुए पॉजिटिव अगर नहीं है तो अपना ब्लड ग्रुप हुआ नेगेटिव तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो वर्ड है ब्लड ग्रुप के लिए उन्हें निर्धारित कौन करेगा आरएच अब ऐसे पॉजिटिव ज्यादा होते हैं जैसे वर्ल्ड में बता रखा है कि बच्चों 80 और 20 का रेशियो चलता है भारत में 93 और 7% का भी रेशियो है तो मतलब ज्यादातर पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव कम मिलते हैं पॉजिटिव वाले केस ज्यादा आप कुछ चेक कर लो अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो मोस्टली पॉजिटिव ही होंगे नेगेटिवली रेयरली प्रेजेंट बच्चों होते हैं अब हम इसमें बात करें कैसे ये जो आरएच एंटीजन है डिटरमाइन तो हो गया अगर एंटीजन है तो पॉजिटिव है नहीं है तो नेगेटिव है अब बच्चों जैसे आपको बोल दिए कितने एंटीजन की बात कर ली हमने ब्लड ग्रुप में कितने आ गए टोटल एंटीजन
एक तो आ गया ए एंटीजन, एक आ गया बी, एक कौन आ गया आरएच, तीन एंटीजन आ गए। जैसे मैंने ये आरबीसी बना ली बच्चों, इस आरबीसी में मान लो ये ए एंटीजन भी है, आरबीसी भी होता है, बी भी है, और ये एंटीजन कौन सा है आरएच। तीनों एंटीजन आपको कहां मिलेंगे, आरबीसी की सरफेस पर। तो इन्हीं एंटीजन से आपका ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। कैसे होता है, एक दो एग्जाम्पल से देख लो। मैंने आपको कहा कि बेटा जी ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें तीनों एंटीजन प्रेजेंट हो कौन सा होगा, ऐसा ब्लड ग्रुप या ऐसी आरबीसी जिस पर ए भी है, बी भी है, आरएच एंटीजन भी है, बताओ ए और बी है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, ए बी, आरएच भी है तो ए बी पॉजिटिव हुआ। समझ गए, हमने कहा कि किसी आरबीसी पर बच्चों तीनों एंटीजन नहीं है, ना ए है, ना बी है, ना आरएच है, तो ब्लड ग्रुप ए और बी नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ, आरएच नहीं है तो नेगेटिव। समझ रहे हो, मैंने कहा कुछ भी दे सकते हैं आपको, आई वैसे ही बता देता हूं। एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें केवल बी एंटीजन है, ना ए है, ना आरएच है, तो बी एंटीजन है तो बच्चों ब्लड ग्रुप बी, ये आरएच नहीं है तो बी। समझ गए, तो जो आरएच वाला एंटीजन है वो डिटरमाइन करता है इन पॉजिटिव और नेगेटिव को। क्लियर, और अगर थोड़ा डिटेल में चले बच्चों, तो जो यूनिवर्सल डोनर आपको बताया था ओ, ओ में भी बच्चों ध्यान रखना ओ नेगेटिव, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट में ए बी पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, और ये डिजीज आएगी हम वहां डिस्कस बच्चों करते हैं। लेकिन आरएच समझ गए, आरएच फैक्टर जिसे निर्धारित कौन कर रहा है, आरएच एंटीजन, वो भी आपको कहां मिला, आरबीसी की सरफेस पर। और मोस्टली बच्चों आरएच एंटीजन आरबीसी पर प्रेजेंट होता है तो आरएच पॉजिटिव हुए, नहीं है तो आरएच नेगेटिव हुए। और तो तीन एंटीजन आ गए ए बी एंड आरएच, लेकिन केवल ए बी ओ ब्लड ग्रुप का पूछना तो वहां दो ही एंटीजन है ए एंड बी। अब जो डिजीज इससे कनेक्टेड बता रहे हैं अपन, एरिथ्रो ब्लास्टोसिस पेटेलिस, हिंदी में बोला गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता आरएच एंटीजन से कनेक्टेड एक डिजीज है, एम्ब्रियोनिक फीटस में होती है, गर्भस्थ शिशु में होती है, जन्म से पहले बच्चों। तो देखो नाम का ही नहीं है, एरिथ्रो एरिथ्रोसाइट बच्चों आरबीसी, ब्लास्टोसिस यहां ब्लास्टोसिस का मतलब ब्लास्टी है, फटना फिटेलिस का मतलब है फीटस में, इसमें फीटस में आरबीसी का फटना, गर्भ शिशु में आरबीसी का फटना, उसे बच्चों बोला एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, गर्भ रक्ताणु कोरकता। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, आओ बच्चों उस पर डिस्कस करें। पहले तो आप ये माइंड में क्लियर करो ये कंडीशन कब आती है, चलो अपन साथ साथ समझ लेते हैं। फिटस की आरबीसी का ब्लास्ट होना एक कंडीशन है बच्चों, एक ही केस, जब फादर जो है वो है आरएच पॉजिटिव, एम्ब्रियो भी पॉजिटिव होगा, और जो मां है बच्चों वो बताइए हमने आरएच नेगेटिव, फादर आरएच पॉजिटिव, मां आरएच नेगेटिव। इस एक केस में देखो कैसे वो कंडीशन उत्पन्न होती है। तो पहली बात, पिता आरएच पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब समझ जाओ कि इस पिता की आरबीसी पर आरएच एंटीजन है, यहां आरएच एंटीजन नहीं है तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव हुआ। अब बच्चों प्रेगनेंसी के टाइम और फादर से पहले तो फर्स्ट फीटस हुआ, ये मान लो फीटस आरएच पॉजिटिव हुआ, पहला प्रेगनेंसी गर्भावस्था के दौरान जो मदर में यूट्रस में जो फीटस डेवलप हो रहा है वो है आरएच पॉजिटिव। तो ध्यान रखना फादर और फीटस दोनों क्या है, आरएच पॉजिटिव, मां है आरएच नेगेटिव, मतलब मां में आरएच एंटीजन नहीं है। अब बेटा जी
जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, 9 महीनों की जो गर्भावस्था है, अपन जब माँ के यूट्रस में होते हैं, वोम्ब में होते हैं, तो बच्चों अपना और माँ का ब्लड मिक्स नहीं होता, बीच में प्लेसेंटा आता है, प्लेसेंटा 9 मंथ तक ब्लड को मिक्स नहीं होने देगा, ब्लड प्रॉपरली सेपरेट रहेगा, क्लियर। लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय बच्चों जो प्लेसेंटा है वो रप्चर फटता है, प्लेसेंटा फटने से माँ और बच्चे का ब्लड मिक्स हो जाता है। क्या कहा मैंने, प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक ब्लड मदर और फिटस का मिक्स नहीं होता, बीच में कौन आ गया, प्लेसेंटा आ गया। बट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय जब प्लेसेंटा रप्चर होगा, फटेगा, तो दोनों का कुछ ब्लड मिक्स हो जाएगा। तो उसी टाइम जब बच्चों प्रेगनेंसी बर्थ हुआ, पहला जो बच्चे का बर्थ है वो तो नॉर्मल होगा, पहला बच्चा नॉर्मल हो गया, लेकिन जैसे ही बर्थ हुआ उस टाइम तक दोनों का ब्लड मिक्स हुआ, तो बच्चे से मां की बॉडी में, मां के ब्लड में क्या चले गए, आरएच पॉजिटिव एंटीजन, समझ गए। तो जब ब्लड मिक्स हुआ तो फीटस से मां में क्या गए, आरएच एंटीजन आ गए, तो पहला बर्थ नॉर्मल हो गया, क्लियर। अब मां में क्या गए, एंटीजन आ गए, तो मां में जब एंटीजन बाहर से आए, बच्चे से आए, तो मां का इम्यून सिस्टम बच्चों उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, एक्टिव। और मां का जो इम्यून सिस्टम है, मां का प्रतिरक्षी तंत्र है, वो क्या बनाने लग जाएगा, एंटीबॉडी। बस यही बात दिमाग में घुसा ली हो कि पहला बर्थ तो नॉर्मल हुआ, कोई उस बच्चे पे साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये जब बर्थ होता है तो प्लेसेंटा के फटने से मां और बच्चे का थोड़ा ब्लड मिक्स होता है, और बच्चों फीटस से मां में क्या चला जाता है, आरएच एंटीजन। इस एंटीजन के अगेंस्ट, मां में पहले एंटीजन नहीं था, बच्चे से आया, तो मां का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा, एंटीबॉडी, आरएच एंटीबॉडी। यहीं से प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी। अब बच्चों सेकेंड प्रेगनेंसी में, सबसिक्वेंट प्रेगनेंसी में, पहला बर्थ नॉर्मल हो गया, सेकेंड टाइम कोई मान लो फीटस बच्चों आरएच पॉजिटिव है, फीटस क्या है, आरएच पॉजिटिव, उसमें एंटीजन है। अब सेकेंड बर्थ के टाइम, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम, 1 साल 2 साल बाद, तब तक उन 1-2 साल के अंदर बच्चों मां का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली क्या बना चुका है, आरएच एंटीबॉडी, मां में क्या बन गई, आरएच एंटीबॉडी। और देखो सुनो, ये जो आरएच एंटीबॉडी है ये बच्चों होती है आईजीजी टाइप की, काम की चीज बता रहा हूं, ये एंटीबॉडी कैसी है, आईजीजी एंटीबॉडी, ध्यान आ गई ना, इम्यूनोग्लोबुलिन जी ए एम डी और ई, आईजीजी वो है सबसे छोटी एंटीबॉडी, स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, ऐसी एंटीबॉडी जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो आरएच एंटीबॉडी इज एग्जांपल ऑफ आईजीजी टाइप, ठीक है। अब बेटा जी प्रेगनेंसी के टाइम ये जो एंटीबॉडी है ये मां से आएगी, ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है, एंटीबॉडी मां से आई तो ये प्लासेंटा को क्रॉस करके फिटस में चली गई, ये प्लासेंटा के आसपास जा सकती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, बिकॉज कैसी है, स्मॉलेस्ट। तो आरएच एंटीबॉडी फ्रॉम मदर कहां लीक हुई, टू फिटस वाया प्लेसेंटा, ये क्रॉस कर जाएगी। अब बच्चे में पहले से क्या है, आरएच एंटीजन है, मां से क्या आ गई, आरएच एंटीबॉडी आ गई। तो बच्चों आपको बताया था जब एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो तो ग्रुपिंग क्लंपिंग, और यही कंडीशन उस बच्चे के लिए घातक होती है, सीवियर होती है। तो बच्चे में एंटीजन एंटीबॉडी सेम हुई, अब इस फीटस की, इस बच्चे की जो आरबीसी है बच्चों वो फट जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, इसी को हीमोलाइसिस भी बोलते हैं। लाइसिस का मतलब फटना, रुधिर लयन, और आरबीसी के फटने से बच्चों क्या हुआ, जब फीटस की आरबीसी फटेगी, आरबीसी डैमेज होगी तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, आरबीसी की कमी से क्या एनीमिया हुआ, तो क्या उनकी कमी, और ज्यादा आरबीसी फटने से बच्चों आरबीसी में कौन है, हीमोग्लोबिन, पीछे वाले लेक्चर में बताया था हीमोग्लोबिन के टूटने से कौन बनते हैं, बाइल पिगमेंट, पित्त वर्णक। और बच्चों बाइल पिगमेंट बॉडी में बढ़ेंगे, स्किन पीली पड़ जाएगी, और उस डिजीज को क्या बोलते हो,
किन डिजीज की वजह से उस फीटस की डेथ हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेकेंडिस। बोलो फिर से सुन लो, पॉजिटिव सेकंड केस में वही फीटस आरएस पॉजिटिव है, बच्चा आरएस पॉजिटिव है, गर्भ शिशु आरएस पॉजिटिव है, तब तक मां में क्या बन चुकी है, आरएच एंटीबॉडी, उन्हें एक दो साल में प्रॉपर एंटीबॉडी बन गई। आरएच एंटीबॉडी इज टाइप ऑफ आईजीजी, आईजीजी बेटा जी सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, तो प्लासेंटा को इजीली क्रॉस कर सकती है, तो इसने प्लासेंटा को क्रॉस करके किसमें आ गई, फेटस में आ गई, वहां पहले से आरएच एंटीजन था, दोनों सेम हुई तो आरबीसी ब्लास्ट हुई, हीमोलाइसिस, रुधिर फीटस की आरबीसी ब्लास्ट हुई, आरबीसी की डेफिशिएंसी से फीटस में क्या हुआ, एनीमिया, ज्यादा बाइल पिगमेंट बनने से क्या हो गया, जॉन्डिस, इन दोनों से उस फीटस की डेथ हो सकती है, उसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। और ये कंडीशन केवल और केवल तब आती है जब फीटस क्या हो, पॉजिटिव, मां क्या हो, नेगेटिव, या फादर पॉजिटिव और मां नेगेटिव, तभी बच्चों में कंडीशन आती है। अब इसका ट्रीटमेंट बता रखा है, उपचार क्या क्या है, तो पिता पॉजिटिव मां नेगेटिव ना, उसको भी बायोलॉजिकल इनकॉम्पेटिबल मैरिज बोलते हैं, मतलब वो बायोलॉजिकली मैरिज सही नहीं है, पिता पॉजिटिव और मां नेगेटिव, तो ये कंडीशन आ सकती है। हालांकि अब तो ट्रीटमेंट बच्चों आ गए कि ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, पहले बर्थ के बाद पहला बच्चा तो नॉर्मल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसके बाद ही क्रिएट होगी ना, तो जैसे ही फर्स्ट बर्थ हुआ, पहले जन्म के तुरंत बाद मां को बच्चों 72 आवर्स के अंदर, विदिन 72 आवर्स, पहले जन्म के 72 घंटे के अंदर मां को स्पेसिफिक इंजेक्शन लगते हैं, जिसको बोलते हैं एनटीआरएच, एनटीडी, रोगन और रोलिन, इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं मां को प्रेगनेंसी के बाद। तो क्या पहले बर्थ के, पहले जन्म के 72 आवर्स के अंदर, 3 दिनों के अंदर मदर को इनके इंजेक्शन एनटीआरएच, एनटीडी या रोगन इंजेक्शन लगता है, रोगन आरएच से नाम बना, रोलिन भी आता है, एनटीआरएच का इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या करता है ये भी सुन लो, तो प्रॉब्लम कहां आ रही है, आओ बोर्ड पे, पहले बर्थ के बाद बच्चे से मां में कौन नहीं है, आरएच एंटीजन गया ना, यही तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसी की वजह से तो बच्चों मां का इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। जैसे ही पहला बर्थ हुआ, होते ही मां को किसका इंजेक्शन लगा, एनटीआरएच का। इस इंजेक्शन में होती क्या है, इस इंजेक्शन में बच्चों एक्चुअल में एंटीबॉडी होती है, क्या होती है, रेडीमेड एंटीबॉडी, बनी बनाई एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी तुरंत जाएगी बेटे से मां में क्या रहता है, एंटीजन, एंटीबॉडी उस एंटीजन से रिएक्ट करके इस एंटीजन को खत्म कर देगी, ना रहा मांस ना बजी बांसुरी, तो गड़बड़ी करी कौन रहा था, एंटीजन, इस एंटीबॉडी ने जिसे हमने इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करवाया है, वो एंटीबॉडी एंटीजन से रिएक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, इसके बिना मां का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, और अगले बर्थ पर कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई सीवियर कंडीशन नहीं होगी, समझ गए। तो विद इन 72 आवर ऑफ बर्थ एनटीआरएच, एनटीडी और रोगिन का क्या लगाया जाएगा, इंजेक्शन। और एक कंडीशन ही रहती है, फादर आरएस पॉजिटिव मां आरएस नेगेटिव, या फीटस आरएस पॉजिटिव और मां आरएच नेगेटिव, डिसऑर्डर को बच्चों क्या बोलो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेकेंडिस, क्लियर। अब इस आरएच वाले को एक बार आप एनसीईआरटी से भी रीडिंग लगा लेना, उसमें पूरे पैराग्राफ में थ्योरी को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखी है। तो अगले लेक्चर में बेटा जी अपन क्या ब्लड वेसल्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम में छोटा सा एक पॉइंट है, और एक इस चैप्टर का डिसऑर्डर रह गए, तो कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। तो यूं बच्चों आप लगे रहें, जुड़े रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय।